हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में आज का टॉपिक हमने लिया है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखिए, गुडविल होती है वैल्यू ऑफ रेप्यूटेशन ऑफ अ फर्म। किसी भी फर्म के रेप्यूटेशन की वैल्यू को बोलते हैं गुडविल। जब न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो उस समय तक गुड फर्म ऑलरेडी कुछ ना कुछ रेप्यूटेशन यानी कि गुडविल गेन कर चुकी होती है। तो ओल्ड पार्टनर ये एक्सपेक्ट करते हैं, ये डिमांड करते हैं न्यू पार्टनर से कि आप गुडविल के लिए भी हमें कुछ ना कुछ जरूर पे करें। तो क्या ट्रीटमेंट होगा जब न्यू पार्टनर गुडविल पे करेगा और कुछ और भी है कि अगर गुडविल पहले से अपियर हो रही है तो उसका क्या होगा, ये सारे ट्रीटमेंट हम आपको बताएंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि इफ गुडविल इज ऑलरेडी अपियरिंग इन द बुक्स ऑफ द फर्म, यानी कि अगर गुडविल फर्म की बुक में पहले से अपियर हो रही हो, गुडविल इज ऑलरेडी अपियरिंग इन द बुक्स ऑफ द फर्म, अगर फर्म की बुक में गुडविल पहले से अपियर हो रही है तो उसको क्या ट्रीट करना है। तो इसको क्या करना है, राइट इट ऑफ अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में इसको राइट ऑफ कर देते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन जो आपको दिया होगा उसमें ऐसा बोलेंगे नहीं कि गुडविल को आप राइट ऑफ कर दें, बस यही लिखा होगा कि गुडविल इज ऑलरेडी अपियरिंग इन द बुक्स ऑफ द फर्म या ऑलरेडी एक्जिस्टिंग इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट ए वैल्यू ऑफ 10,000 या 20,000। तो आपको विदाउट इंफॉर्मेशन उसको बिना कहे आपने राइट ऑफ कर देना है। तो जो छोटे क्वेश्चन होंगे उसमें तो लिखा हुआ होगा कि गुडविल अपियरिंग, और जो बड़े क्वेश्चन होंगे उसमें आपको बैलेंस शीट दी जाएगी, और बैलेंस शीट में एसेट साइड में ये बैलेंस शीट है और ये एसेट साइड होती है अदर, यहाँ लिखा हुआ होगा आपके लिए गुडविल और इधर आपको लिख देंगे सपोज 10,000 ऐसे। तो ये आपको समझ जाना है कि ये गुडविल अपियर हो रही है ऑलरेडी, तो इसको बिना कहे आपने राइट ऑफ कर देना है। तो छोटे क्वेश्चन में लिखा होगा, जो बड़े क्वेश्चन आएंगे उसमें बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखा हुआ होगा गुडविल, तो वो गुडविल अपियरिंग होती है। तो राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होती है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ओल्ड पार्टनर्स को डेबिट करना है, गुडविल को क्रेडिट करके कैंसिल कर देना है, और रेशियो यूज करना है ओल्ड रेशियो, पुराने रेशियो में राइट ऑफ करना है। एक तो ये ट्रीटमेंट आपने हमेशा ध्यान रखना है। इसके अलावा कई बार लिखा होता है कि न्यू पार्टनर एडमिट हुआ और सपोज 1 लाख कैपिटल लाया और 20,000 गुडविल दी है लेकिन प्राइवेटली दे दी, ऐसे लिखा होगा कि पेड प्राइवेटली। तो अगर गुडविल प्राइवेटली दे रहा है तो कोई एंट्री नहीं होगी गुडविल की, यानी कि कैश लाने की, कैपिटल के लिए जो कैश लाना उसकी एंट्री करना, कैश फॉर डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल 1 लाख, इस 20,000 का कहीं कोई जिक्र नहीं आएगा क्योंकि प्राइवेट पेमेंट कर दिया। तो दो चीजें तो आप पहले ही ध्यान रखना छोटी छोटी, अगर गुडविल अपियर हो रही है तो उसको राइट ऑफ करना है बिना इंफॉर्मेशन के, बिना कहे ही राइट ऑफ कर देना आपने, और प्राइवेट पेमेंट क्या है तो गुडविल के लिए एंट्री नहीं होगी, केवल कैपिटल लाने की एंट्री करना। नेक्स्ट देखिए, अब न्यू पार्टनर अगर गुडविल के लिए कैश लाता है तो उसको बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। तो जब भी न्यू पार्टनर गुडविल के लिए कैश लाएगा और उसको बुक में यानी कि बिजनेस में रिटेन करना होगा, रिटेन करना मतलब न्यू पार्ट ओल्ड पार्टनर विदड्रॉ नहीं करेंगे उस गुडविल को, फर्म में ही रखेंगे। तो ये भी ध्यान रखें कि बाय डिफॉल्ट होता यही है, विड्रॉ तभी करेंगे जब क्लियर लिखा होगा कि ओल्ड पार्टनर विड्रॉ द अमाउंट ऑफ गुडविल, नहीं लिखा तो आपको रिटेन ही करना होगा। तो उस समय क्या एंट्री होती है, एक एंट्री कैश फॉर गुडविल एंड कैपिटल लाने की एंट्री होती है कि न्यू पार्टनर गुडविल के लिए और कैपिटल के लिए कैश लाया है उसकी एंट्री करें, और उसको करते हैं कैसे एंट्री को, कैश ऑन डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। जितना कैपिटल का पैसा लाया, मान लीजिए 2 लाख कैपिटल लाया यहाँ लिखे और 50,000 गुडविल लाया यहाँ लिखे, और दोनों टोटल 2.5 लाख यहाँ लिख देना। उसके बाद क्या होगा कि जो गुडविल का पैसा लाया है वो लाया है वो किसके लिए, ओल्ड पार्टनर्स के लिए, तो उस गुडविल अमाउंट को ओल्ड पार्टनर्स को आपको क्रेडिट करना होगा। अच्छा, क्रेडिट किस रेशियो में करेंगे, आप करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। क्यों करते हैं ऐसा, देखिए मान लीजिए दो पार्टनर है ए और बी, 3:2 का प्रॉफिट शेयर करते हैं, सी को न्यू पार्टनर लिया फॉर 1/5 शेयर, तो अब ये इसका 1/5 शेयर कहां से निकलेगा, ये दोनों सेक्रीफाइस करेंगे तभी तो निकलेगा। तो जितना ये सेक्रीफाइस करेंगे उसी प्रोपोर्शन में इनको गुडविल मिलनी चाहिए, इसीलिए हमेशा गुडविल जो न्यू पार्टनर आता है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर को क्रेडिट की जाती है, एंट्री बनती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ये हो गया कि नया पार्टनर गुडविल लाया, न्यू पार्टनर उसको बुक में रिटेन करते हैं। नेक्स्ट आता है कि न्यू पार्टनर गुडविल लाया कैश में और ओल्ड पार्टनर ने उस गुडविल को विड्रॉ कर लिया यानी कि निकाल लिया है। तो जो दो एंट्री आप लोग पर किए वो दो एंट्री तो वैसी बनी है, देखिए वही एंट्री है पहले, फॉर कैश फॉर गुडविल एंड कैपिटल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर, कैश ऑन डेबिट टू प्रीमियम टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और सेकेंड एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू
ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये दोनों एंट्रीज सेम वही आ जाएंगी। एक एंट्री इसमें पड़ जाएगी कि जो गुडविल लाया है न्यू पार्टनर से विड्रॉ करने की एंट्री, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जितनी जिसको मिली वो अपने निकाल लेगा और टू कैश कर देंगे। अगर कम निकाली है तो लिखा हुआ होगा कि हाफ निकाली, 40% 60% निकाली, तो उतनी विड्रॉ करना और कैश कर देना। जैसे मान लीजिए कि 10,000 लाया है और ए को 6 मिली और बी को मिली है 4,000, अब लिखा हाफ विड्रॉ करें, तो ए को 3,000 से डेबिट करना, बी को 2,000 से डेबिट करना और 5,000 कैश हो जाएगा। पूरा विड्रॉ करा तो पूरा कर देना, तो ये विड्रॉ करने की एंट्री होती है। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ में अभी थोड़े दो तीन मेथड और भी है जिसमें गुडविल कम लाता है रिक्वायर्ड से या ला ही नहीं पाता, वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। पहले इनको क्लियर करने के लिए इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर्स, दो पार्टनर हैं ए और बी, प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:2 में। सी को नया पार्टनर एडमिट किया 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए, ए बी पार्टनर है 3:2 में, सी को न्यू पार्टनर एडमिट किया 1/4 के लिए। सी ब्रिंग्स ₹2 लाख एज कैपिटल एंड पेड 50,000 फॉर हिज शेयर इन गुडविल प्रीमियम प्राइवेटली। सी 1/4 के लिए आया और सी ने क्या लिया, 2 लाख रुपए कैपिटल दी और 50,000 रुपये 50,000 रुपीज गुडविल दी जो कि प्राइवेटली पे करी है। पांच नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। देखिए गुडविल लाया पार्टनर लेकिन प्राइवेटली लाया, तो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री तो करनी नहीं है, तो इसमें सेक्रीफाइजिंग रेशियो की जरूरत हमें पड़ने के लिए। सेक्रीफाइजिंग रेशियो की जरूरत कब पड़ती है, जब गुडविल हम क्रेडिट करते हैं ओल्ड पार्टनर को, तो यहाँ गुडविल प्राइवेटली दिया है तो गुडविल की एंट्री हमें करनी नहीं है, तो काम क्या करेंगे, केवल कैश लाने की एंट्री करेंगे। तो क्या एंट्री बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, बस ये एक एंट्री बनानी है आपने। अगर ये गुडविल लाया होता तो इसी में गुडविल की एंट्री भी होती है, फिर आपको डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ता, तो इसमें लेकिन गुडविल प्राइवेटली दिया तो इसलिए एंट्री नहीं होती। ये 2 लाख रुपीज कैपिटल के आप लिखते हैं, बस ये हो गया। तो पहला तो ये, अगर गुडविल प्राइवेटली पे हो रही है तो आप इस तरह से केवल कैश फॉर कैपिटल लाने की एंट्री करें, गुडविल की एंट्री करनी ही नहीं है। देखिए नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल, ए और बी पार्टनर है, प्रॉफिट 3:2 में शेयर करते हैं, सी को न्यू पार्टनर एडमिट किया 1/4 के लिए। सी 3 लाख रुपए कैपिटल लाया, 60,000 रुपये गुडविल लाया और ए और बी ने डिसाइड किया कि फ्यूचर में हम प्रॉफिट 2:1 में रेशियो करेंगे, गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है 40,000 रुपये से। तो अब क्या है कि इसने देखा गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग भी है और उसके अलावा रेशियो भी चेंज हो रहा है, 3:2 के पार्टनर थे, अब इन्होंने फ्यूचर में 2:1 में डिसाइड किया गुडविल शेयर करने का, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इसमें आपको पहले सेक्रीफाइजिंग रेशियो कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो कैसे कैलकुलेट होंगे देखिए आपको बताते हैं सेक्रीफाइजिंग रेशियो कैसे होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि मान लें प्रॉफिट शेयरिंग का टोटल 1 है, हम ये लिखेंगे लैक द टोटल ऑफ PSRB 1। अब इस 1 में से C का शेयर लेस करें, लेस C's शेयर 1 माइनस 1/4, 1/4 के लिए, तो आपका ये बच गया कितना, 3/4। जो ये 3/4 बच गया है ये किसका है, A का और B का है, ये इन दोनों का है। फ्यूचर में किस रेशियो में शेयर करेंगे बता रखा है 2:1 है, तो इसमें से 2/3 A का हो गया और 1/3 B का हो गया। तब आप न्यू रेशियो निकालने, पहले तो न्यू रेशियो ऑफ A का क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो देखिए 3/4 बचा हुआ प्रॉफिट है C को देने के बाद, उसमें से इसे 2/3 मिलेगा यानी कि 6/12। B का रेशियो कितना है, 3/4 बचा हुआ प्रॉफिट है C को देने के बाद और इसे 1/3 मिलेगा, तो यानी कि 3/12 हो गया इसका। और सी का तो गिवन है आपको 1/4, डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर ले, तो 3/12 रेशियो हो गया। तो ये आ गया इनका न्यू रेशियो, तो इसको अगर हम कंपैरेटिव फॉर्म में रखें देयरफॉर न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, 6:3:3। अब रेशियो जो है वो सिंपलेस्ट पॉसिबल फॉर्म में होनी चाहिए, यानी कि अगर कट सकते हैं किसी एक ही डिजिट से तो काट देना चाहिए, तो ये सब 3 से कट देंगे, तो 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 2:1:1। 3 से काटेंगे 6 को 2 आएगा और 3 को 3 से काटेंगे तो 1 आएगा, तो 2
2:1:1 ये आ गया इनका न्यू रेशियो। हम आप क्या करें, सेक्रीफाइजिंग रेशियो कैलकुलेट करें। सेक्रीफाइजिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? सेक्रीफाइजिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड में से न्यू रेशियो लेस कर रहे हैं। तो ए का सेक्रीफाइजिंग रेशियो कितना निकलेगा? देखिए ए का ओल्ड रेशियो था 3:5 और न्यू रेशियो है 2:4, ये 2:1:1 ले लें। तो अब आपका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 20, तो 5 4 जा 20 4 3 जा 12, 4 5 जा 20 5 2 जा 10, तो 2:20। डी का कितना आएगा? डी का रेशियो पहले था 2:5, अब कितने हैं? 1:4। तो अब आप इसका जो एलसीएम 20 लेंगे, इसका भी 5 4 जा 20 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 5 जा 5, तो ये आ गया 3:20। तो जो सेक्रीफाइजिंग रेशियो दोनों का आया ए और बी का, क्या आया? 2:3, ये सेक्रीफाइजिंग रेशियो। आप अगर इसको चेक करना चाहते हैं कि एग्जाम में आपके पास आंसर उसे होता नहीं है, तो आप क्या करें, इनको जोड़ दें और जोड़ करके चेक कर दें न्यू वाले का रेशियो निकल रहा है नहीं निकल रहा। ये दोनों जुड़ के हो जाएंगे कितने? 5:20 और 5 5 5 4 20, तो 1:4 रेशियो आ गया न्यू वाले का। इसका मतलब ठीक निकाला आपने। तो अब हमें पता चल गया कि गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट हमने करना है किस रेशियो में? 2:3, ये सेक्रीफाइजिंग रेशियो है। तो अब ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले तो जो गुडविल अपियर हो रही है, गुडविल इज ऑलरेडी एक्सिस्टिंग इन द बुक्स 40,000, इसको राइट ऑफ करें। तो क्या बताई थी ऊपर एंट्री की? ओल्ड पार्टनर डेबिट टू गुडविल। तो ओल्ड पार्टनर कौन कौन है? ए और बी। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट और बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। देखिए यहाँ हम शॉर्टकट लिख रहे हैं, ये कैप लिख के रहे हैं, ये एग्जाम में आपको पूरा पूरा लिखना है। ये तो यहाँ थोड़ा टाइम सेविंग के लिए कर देते हैं ना जल्दी जल्दी में, आप लोग एग्जाम में पूरा लिख के आएंगे। एज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट टू गुडविल। तो कितनी गुडविल एग्जिस्ट कर रही है? 40,000। तो यहाँ 40,000 गुडविल में लिखे और इस गुडविल को जो पहले से अपेयर होती है इसे ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओल्ड रेशियो 3:2 है, तो 3 और 2 का टोटल 5, 5 से डिवाइड करेंगे 8, 8 3 जा 24, 24,000 से डेबिट करें आप ए को और 8 2 जा 16, 16,000 से डेबिट करें आप बी को। तो ये ओल्ड गुडविल आपकी राइट ऑफ हो गई। अब जो न्यू पार्टनर गुडविल लाया कैश और कैपिटल गुडविल के, देखिए कितनी लाया, 3 लाख कैपिटल है, 60,000 गुडविल है, इन दोनों को आपने रिकॉर्ड किया है। तो क्या एंट्री बनेगी? एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू, एक तो कैपिटल न्यू पार्टनर सी की, तो सी कैपिटल अकाउंट और दूसरा गुडविल है, तो इसको लिखते हैं 2 प्रीमियम और गुडविल अकाउंट, ये एंट्री बन जाएगी। देखिए जब भी न्यू पार्टनर गुडविल कैश लाएगा तो उसको प्रीमियम फॉर गुडविल लिखना। कितना लाएगा? 3 लाख रुपीज तो कैपिटल लाया है, तो 3 लाख रुपए कैपिटल में लिखो, 60,000 गुडविल है, गुडविल में लिखो, तो टोटल कैश होगी 3,60,000 रुपीज, ये हो गया। अब जो ये गुडविल लाया, इस गुडविल को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें ओल्ड पार्टनर्स में। एंट्री बनेगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो 60,000 रुपीज गुडविल है, इसे आप यहां लिखें और सेक्रीफाइजिंग रेशियो बांटे। तो देखिए सेक्रीफाइजिंग रेशियो ये आपका 2:3, इस रेशियो बांटे आप, तो 2:3 बांटा है, कि टोटल 5 हो गया, तो 5 से डिवाइड करेंगे 60 को, 12 आएगा, 12 इंटू 2, 24,000 आप क्रेडिट करते एक अकाउंट में
और 12 थ्री या 36, बी को 36 है, जितना जिसने सेक्रीफाइस किया उसे शुरू से गुड ग्रेड मिली। तो ये आपका एक और टाइप हो गया। देखिए जो क्वेश्चन हमने अभी ऊपर किया उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड करके दे सकते हैं कि जो गुडविल ओल्ड पार्टनर्स को मिली उन्होंने उसको विड्रॉ कर दिया, उसका हाफ या उसका 40-60% या कंप्लीट पूरा अमाउंट भी विड्रॉ कर सकते हैं, तो उस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो देखिए सेम वही क्वेश्चन है जो ऊपर था, ये क्वेश्चन जो हमने आपको भी कराया था, बिल्कुल ऐसा कैसे क्वेश्चन है। बिल्कुल ए बी पार्टनर है 3-2 के, न्यू पार्टनर सी का 1/4 लाख, सी 3 लाख कैपिटल, 60 गुडविल आया, गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है 40 से फर्म की बुक में, और न्यू पार्टनर ने रेशियो चेंज करें 2:1 रहता है। देखिए बिल्कुल वही क्वेश्चन है, ए बी पार्टनर है 3-2 के, सी को एडमिट कर लिया और 3 लाख कैपिटल, 60,000 गुडविल लाया और गुडविल का हाफ अमाउंट विड्रॉ करना, बस ये एक्स्ट्रा हो गया इसमें, ए एंड बी विड्रॉ हाफ द अमाउंट ऑफ गुडविल, और देखिए रेशियो 2:1 ही है जो इनका न्यू रेशियो आपस में फ्यूचर का होगा, और 40,000 से गुडविल ऑलरेडी अपियर हो गया। यानी कि पूरा क्वेश्चन जो ऊपर था वही का वही है, केवल एक आइटम एक्स्ट्रा हो गया कि गुडविल ओल्ड पार्टनर विड्रॉ कर रहे हैं हाफ अमाउंट। तो आपने जो तीन एंट्री ऊपर किया तो वैसे की वैसी बिल्कुल जो ये ऊपर एंट्री थी, यानी कि कैश लाने की एंट्री, पहले गुडविल राइट ऑफ करने की जो एक्सिस्ट हो रही है, फिर कैश लाएगा कैपिटल और गुडविल के लिए उसका, और फिर प्रीमियम पर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री, ये एंट्री तो वही रहने वाली थी। तीन एंट्री को हम दोबारा नहीं करेंगे, जो 1 एंट्री 1 2 एंड 3 अबव एंड, जो ऊपर आपने 1 2 3 एंट्री किए वो एंट्री रहेंगी बेसिक वैसी, और उसके अलावा एक एंट्री आपको एक्स्ट्रा करनी है फोर्थ एंट्री, वो एंट्री मैं आपको यहाँ करके दिखाऊंगा। देखो क्या फोर्थ एंट्री होगी कि जो ओल्ड पार्टनर है वो गुडविल का अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, ओल्ड पार्टनर कौन है, ए और बी, तो आप क्या करेंगे, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, जब गुडविल इनको दी थी तो क्रेडिट किया, अब ये निकालेंगे तो डेबिट हो जाएंगे, उसके बाद बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये गुडविल विड्रॉ करने की एंट्री होगी। अब कितनी विड्रॉ करी, हाफ विड्रॉ करी इन्होंने, मिली कितनी थी देखिए ऊपर क्वेश्चन में, ए को मिली थी 24, ये 12 विड्रॉ करेगा, इसको मिली थी 36, ये 18 विड्रॉ करेगा, तो 12 एंड 18 कितना अमाउंट विड्रॉ करना है, तो देखिए क्या लिख देंगे यहाँ पर, 12,000 हाफ अमाउंट इसका हो गया और 18,000 हाफ अमाउंट इसका हो गया, 12 और 18 30, 60 का हाफ 30 होती है, तो ये एंट्री हो जाएगी। तो इस तरह से देखिए गुडविल के ट्रीटमेंट की, गुडविल ऑलरेडी अपियर हो रही हो, प्राइवेटली दी हो, न्यू पार्टनर कैश लाया रिटेन कर लिया, न्यू पार्टनर कैश लाया गुडविल विड्रॉ कर लिया, तो ये चार टाइप हमने आपको गुडविल का बताए। अब आप इनको प्रैक्टिस करिए थोड़ा जो भी आपके पास है उस सबसे, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको गुडविल जब न्यू पार्टनर इनसफिशियंट अमाउंट आता है, लेस देन रिक्वायर्ड आता है, या फिर ला ही नहीं पाता उसके ट्रीटमेंट बताएंगे, और गुडविल पूरी कंप्लीट हो जाएगी। आपकी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।